वालेकुम व्यूअर्स आई होप फाइन एज यू नो वी आर स्टडिंग कोर्स ऑफ वेब प्रोग्रामिंग एंड टूडे और टॉपिकीवियस लेक्चर में हमने एच डी एम एल में फॉर्म वैलिडेशन के बारे में पढ़ा था और रिक्वायर्ड जो है हमने यूज़ किया था वैलिडेशन के लिए अब यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट में फॉर्म वैलिडेशन देखेंगे हाउ वी कैन यूज़ एंड वट इज़ देंटेक्स ऑफ वैलिडेशन नाउ लेट्स न बी जाओ एंड कैन बी डॉक्रिप्टी पर फील्ड यूज हो रही है एफ नेम डॉट वैल्यू अगर उसकी वैल्यू हमारे पास हमने इसको डॉक्यूमेंट में जो फॉर्म है उसमें मैंने नेम रखा है माई फॉर्म उसकी जो एफ नेम वैल्यू है फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए हमने डिक्लेयर करवाया है एक्स के साथ उसे यानी इनिशियलाइज करवा दिए एक्स को अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इफ़ एक्स की वैल्यू जो मैंने कहा एफ़ नेम की वैल्यू एम्पटी स्ट्रिंग आती है तो अलर्ट कर दे यानी मैसेज डिस्प्ले कर दे नेम मस्ट बी फिल्ड आउट रिटर्न फॉल्स अदरवाइज़ फ़ॉल्स यानी आपको Uh, कुछ भी ना दे ठीक है ना यानी आप सबमिट दे नहीं करवा पाए और यहाँ पर फंक्शन लिया है फंक्शन की वर्ड को यूज़ करते हुए फंक्शन का नेम है वैलिडेट फंक्शन उससे डिफाइन करवाया गया और उसके अंदर ये कोड राइट किया गया मैंने इसलिए पहले बताया कि मेन हमारा यही बताना था कि वैलिडेट कैसे करते हैं फंक्शन को यूज़ करना मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ डॉक्यूमेंट और ये वाली लाइन जो यूज़ करते हैं उसका भी पहले बता चुकी हूँ और ये है इफ़ अ फॉर्म फील्ड एफ नेम इज एम्पटी दिस फंक्शन अलर्ट्स अव मैसेज और रिटर्न फॉर्ज टू प्रिवेंट द फॉर्म फ्रॉम being submitted. द फंक्शन कैन बी कॉल्ड वेन द फॉर्म इज सबिटेड नाउ लेट सी हाउ इट हैपन्स यहाँ पर वही चीज़ हेड सेक्शन में स्क्रिप्टिंग राइट की स्क्रिप्ट राइट की हुई है जाव फंक्शन वैलीडेट फॉर्म फंक्शन यहाँ पर लिया गया है डिफाइन करवाया जा रहा है और एक की वर्ड एक्स वेरिएबल लिया है जिसे डिक्लेयर करवाया है लेट की वर्ड से और यहाँ पर इनिशियलाइज करवाया गया ये मैंने बता दिया है यहाँ पर उसकी वैल्यू uh, ली गई है एक्स से अब कह रहा है वो जो एक्स जिसको इनिशियलाइज कर एफ नेम की वैल्यू से तो वो क्या हो एम्पटी स्ट्रिंग अगर इक्वल आ जाती है तो हमें अलर्ट दे दे एक मैसेज नेम मस्ट बी फिल्ड आउट अदरवाइज वो सबमिट फॉर्म ना करने दे बाकी स्क्रिप्ट क्लोज हेड सेक्शन क्लोज अब फॉर्म के लिए यहां पर यूज किया है फॉर्म नेम अच्छा जी हमने अभी पी के जो टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट नहीं किए तो इसलिए ये आगे सबमिट नहीं होगा हमने उसका जो पेज है वो नहीं बनाया लेकिन आपको जस्ट ये दिखाना है कि वैलिडेट कैसे करते हैं ऑन सबमिट पर रिटर्न वैलिडेट फॉर्म और मेथड यहाँ पर पोस्ट यूज होगा अब नेम लेबल लगा रहे हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट ये लेबल के बारे में और इनपुट टाइप जो नेम एंटर करना ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी थी सबमिट वैल्यू ये भी बता चुकी हूँ इनपुट टाइप हमारे पास सबमिट है और वैल्यू भी सबमिट ही होगी फॉर्म क्लोज हो गया एच क्लोज हो गया नाउ लेट सी हाउ इट वर्कस यहाँ पर हमारे पास है कोड मैंने पहले ही ओपन किया हुआ है मैं उसी को ही री यूज कर रही हूँ कंट्रोल एस और यहाँ रिफ्रेश करें और यहाँ पर देखें नेम सपोज करें हिना राइट करती हूँ सबमिट नहीं होगा ठीक है आगे मैंने इसको कुछ भी नहीं दिया हुआ अगर मैं कुछ भी राइट नहीं करती देखें क्योंकि मैंने इसको किया है और नेम पर कहा था तो सबमिट करो तो देखें आपके पास नेम मस्ट बी फिल्ड आउट इस तरह से मैसेज यानी अलर्ट आपके पास आ जाएगा ओके जी ठीक है तो पीएचपी -पी का कोड राइट करेंगे तो आगे सर्वर पर जो है सबमिट हो जाएगा आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस वे में Hmm, अच्छा यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल हो गई नेक्स्ट है कैन वैलिड इन नुमेरिक इनपुट यानी अब मैं चाहती हूँ कि यूज़र टेक्स्ट uh, भी एंटर करता है और मैं चाह रही हूँ कि नुमेरिक इनपुट हो यानी सपोज करें मेरा आईडी कार्ड डब्बर है उसमें लेटर्स uh, तो आते नहीं है ठीक है तो मैं चाह रही हूँ कि जस्ट नुमेरिक uh, जो नंबर हैं वो यूज़र एंटर करे और कुछ ना करे सेम उसी तरह से होगा यहाँ पर आप यूज़ करेंगे आई जो है uh, इसी इनपुट आई डी हमारे नम बी यानी यूज़ किया है नंबर के लिए बटन टाइप है बटन ऑन क्लिक करने पर माय फंक्शन कॉल हो यानी जो एट्रीब्यूट है माय फंक्शन हो अब माय फंक्शन को मैंने यहां पर स्क्रिप्ट में डिफाइन करवाया है आईडी डेमो ही है और यह बता चुकी हूं फंक्शन की को यूज करते माय माई फंक्शन डिफाइन करवाया है और वैल्यू इनपुट फील्ड की आई ले रहा है लेट एक वेरिएबल लिया है एक्स जिसको मैं ID. मैंने इनिशियलाइज करवाया डॉक्यूमेंट डोट गेट एलिमेंट बाय आईडी मैंने आईडी क्या डिफ़ाइन की थी यहाँ पर इनपुट आईडी जो थी मेरे पास नाम बी थी तो यहाँ पर मैं नंबर क्योंकि नंबर की आईडी दे रही हूँ क्योंकि एच एलिमेंट जो है वो नंबर की आई ढूंढेगा इनपुट टाइप यूज़र ने क्या किया है उसकी वैल्यू लेगा डोट वैल्यू यूज़ करेंगे इफ़ एक्स इज़ नॉट अ नंबर और लेस दैन वन और ग्रेटर दैन टेन तो मैंने एक लेट की को यूज़ करते हुए डिक्लेयर करवाया एक वेरिएबल तो इफ़ की स्टेटमेंट यूज इफ़ इज़ नंबर इफ़ इफ़ इज़ नोट आ नंबर नोट आ नंबर के लिए ये वेरिएबल टाइप लिया है और उसको एक्स यानी पैरामीटर दिया एक्स यानी अगर एक्स की वैल्यू मेरे पास क्योंकि एक्स को इनिशलाइज करवाया है नम बी की वैल्यू के साथ क्या हो और एक्स लेस देन अगर वन से कम हो यानी माइन ज़ीरो हो या फिर ग्रेटर देन टेन हो तो टेक्स्ट मुझे डिस्प्ले कर दे यानी ये जो टेक्स्ट है इसमें क्या आ जाए इन वैलिड इनपुट नॉट वैलिड आ जाए एल्स टेक्स्ट इज़ इक्वल टू इनपुट ओके कर दे ठीक है तो ये हमारा हो गया और बाकी आपको पता है डॉक्यूमेंट गेट आई डी यानी डेमो लेगा और टेक्स्ट में जो है आप टेक्स्ट में इनपुट नॉट वैलिड और इनपुट ओके डिस्प्ले करवाएगा नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स और यहाँ पर आ जाओ हाउ इट वर्क्स मैंने कंट्रोल ए कंट्रोल वी कंट्रोल एस और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे ये हमारे पास है नंबर सपोज करें मैं एक लेटर एंटर कर रही हूँ तो देखो इनपुट नॉट वैलिड इसी तरह से मैंने कहा था वन से ये जीरो एंटर कर रही हूँ तो देखो क्या कह रहा है इनवैलिड इनपुट अगर मैं फाइव करती हूँ क्योंकि मैंने वन से टेंथ तक कहा था देखें इनपुट ओके आ गया ठीक है तो इस तरह से ये वर्क करेगा Uh, ये एग्जांपल भी हमने देख ली ठीक है ऑटोमेटिक एच फॉर्म वैलिडेशन किस तरह से रही जैसे रिक्वायर्ड आप एम छोड़ देते हैं इनपुट फॉर्म वैलिडेशन कैन बी परफॉर्मड ऑटोमेटिकली बाय द ब्राउजर इफ़ अ फॉर्म फील्ड एफ नेम इज़ एमपटी द रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट प्रिवेंट्स दिस फ्राम बींग सबमिटेड अब सेम वही इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया है नेम एफ नेम एफ नेम की जगह एफ नेम के साथ अगर आप रिक्वायर्ड यूज़ करते हैं तो यहाँ पर ये होगा कि ये आपको सबमिट फॉर्म सबमिट होने से रोकेगा यानी अगर यूज़र जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है एफ़ नेम ठीक है एफ़ नेम जो है वो एम छोड़ देता है तो बाकी वही है आपके पास सेम उसी तरह से वर्क करेगा लेट्स सी हाउ इट वर्क्स चले क्योंकि हमने जस्ट रिक्वायर्ड को यूज़ किया है हमने कोई फंक्शन वगैरह यूज़ नहीं किया और देखें ये किस तरह से वर्क करता है और इसको जस्ट मैं ऐसे ही सबमिट करवाती हूँ देखें प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म और हीना राइट करती हूँ मैंने वैसे आगे कोई पेज नहीं दिया तो इसलिए कोई फाइंड नहीं करेगा जस्ट देख लें सबमिट हो रहा था ठीक है यही दिखाना चाह रही हूँ और ये हमारे पास एग्जाम्पल डेटा वैलिडेशन टिपिकल वैलिडेशन टास्क आर हैज़ द यूज़र फील्ड अगर वैलिडेशन किस किस टाइप की आप दे सकते हैं यानी क्या मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं हैज़ द यूज़र फील्ड इन ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स वैलिड डेट हैज़ द यूज़र एंटर टेक्स्ट इन न्यूमेरिक फील्ड यानी इस तरह से आप वैलिडेशन वग़ैरह जो हैं वो सेट कर सकते हैं

सर्वर पर सेंड करने से पहले यानी जस्ट फॉर्म क्रिएट किया स्ट्रक्चर है तो वो वहीं पर ही आपका वैलिडेशन दे देता है सो वी हैव कम्पलीटेड टू डेज लेक्चर हेयर दैट वॉज़ अबाउट बेसिक फॉर्म वैलिडेशन इन जावा स्क्रिप्ट आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा सो so मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा अपना ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज़